जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली पुलिस को मिली सफलता। थाना सिंभावली पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से एक आयसर कंटेनर भी भरी 270 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है। आपको बता दें कि थाना सिंभावली पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, वही मुखबिर द्वारा मिली सूचना पर आयसर कंटेनर थाना सिंभावली की तरफ आ रहा है, जिसमें भारी मात्रा में अवैध शराब भरी हुई है। वही मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुए थाना सिंभावली पुलिस ने सतर्कता के साथ चेकिंग अभियान चलाया, तो वही थाना सिंभावली की तरफ आ रहे कंटेनर जिस पर भारतीय डाक विभाग लिखा हुआ था, उसे रोक कर जब उसकी सतर्कता के साथ चेकिंग हुई तो उस कंटेनर के अंदर 270 लीटर अवैध शराब हरियाणा मार्ग की बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 12 लाख बताई जा रही है। तो वही गिरफ्तार अभियुक्तों में मुकदमा पंजीकृत किया, उसे जेल भेज दिया गया है। ये दिनांक 24/9/2020 की रात में थाना सिंभावली पुलिस रात्रि गश्त व चेकिंग के हेतु रवाना थी, भ्रमणशील थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक गाड़ी है, संदिग्ध गाड़ी आयसर कंटेनर, जिसका नंबर था UP14 ET8656, जिसको चेक किया गया, जिस पर भारतीय डाक विभाग लिखा हुआ था, उसको चेक करने पर वास्तविक नंबर हरियाणा के निकला HR45B7786। इसके संदर्भ में हरियाणा में कैथल में इस पर अभियोग पंजी, चोरी का अभियोग पंजीकृत है। इस पर गाड़ी को चेक किया गया तो गाड़ी पर अवैध शराब हरियाणा मार्ग का करीब 270 पेटी बरामद हुई है, जो कि करीब 2378 लीटर है। इसमें एक अभियुक्त पकड़ा गया है, नाजिम खां पुत्र मोहम्मद सलाम खां, जो कि बेहटा गुसाई बिलसी बदायूं का निवासी है, जिस पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। NBCN न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट।